दो सगे भाई साथ साथ खेती करते थे। साथ वे भागीदारी में मशीनों और अनाज का व्यवसाय भी किया करते थे। 40 साल के साथ के बाद एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उनमें पहली बार झगड़ा हो गया था। झगड़ा दुश्मनी में बदल गया था। एक सुबह एक बढ़ई एक खाती बड़े भाई से काम मांगने आया। बड़े भाई ने कहा, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, उस तरफ देखो, वो मेरा पड़ोसी है। असल में तो वो मेरा भाई है, पिछले हफ्ते तक हमारे खेतों के बीच घास का मैदान हुआ करता था, पर मेरा भाई बुलडोजर ले आया और अब हमारे खेतों के बीच ये खाई खोद दी। ज़रूर उसने मुझे परेशान करने के लिए सब किया है, अब मुझे उसे मज़ा चखाना है। तुम मेरे खेत के चारों तरफ बाड़ बना दो ताकि मुझे उसकी शक्ल बिना देखनी पड़े। बढ़ई ने कहा, ठीक है। बड़े भाई ने बढ़ई को सामान ला दिया और खुद शहर चला गया। शाम को लौटा तो बढ़ई का काम देखकर भौचंका रह गया। बाड़ की जगह वहां खाई पर एक पुल था जो दोनों खेतों को एक तरफ से दूसरी तरफ जोड़ता था। इससे पहले कि बढ़ई कुछ कहता, उसका छोटा भाई आ गया। छोटा भाई बड़े भाई से बोला, तुम कितने दरिया दिल हो, मेरे इतना भला बुरा कहने के बाद भी तुमने हमारे बीच ये पुल बनाया। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। जब दोनों भाई संभले तो देखा कि बढ़ई जा रहा है। बड़ा भाई बोला, रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। मुझे रुकना अच्छा लगता, पर मुझे ऐसे कई पुल और बनाने हैं, बढ़ई मुस्कुराकर बोला और अपनी राह को चल दिया। दिल से मुस्कुराने के लिए जीवन में पुल की जरूरत होती है और खाई की नहीं। छोटी छोटी बातों पर अपनों से ना उठें।